नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। कन्नौज लोकसभा के बिधुना विधानसभा के गांव सिरियाव में पहुंचे सुब्रत पाठक के पक्ष में चौपाल करने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पर विकास को लेकर महिलाओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। महिलाओं को बोलता देख बिधुना विधानसभा की प्रत्याशी रही भाजपा से रिया साक्य ने मोर्चा संभाला। महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा कि पहले आप हम लोगों को बोल लेने देते, उसके बाद आप अपनी समस्या बताती जिसका समाधान किया जाएगा। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बीती रात जिले के मोतीगरपुर स्वास्थ्य केंद्र के पैथोलॉजी रूम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। यहां लगा अलार्म भी खराब पड़ा हुआ था, जिससे किसी को कोई संकेत नहीं मिल सके। जब रूम में तेजी से धुआं उठने लगा, तब जाकर CHC के स्टाफ को आग लगने की खबर हुई। काफी धुआं उठने से CHC में अफरा तफरी मच गई। तत्काल पैथोलॉजी रूम का दरवाजा खोलकर अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। रात में 10:30 बजे ये सूचना मिली कि पैथोलॉजी कक्ष में जो है ऐसे धुआं निकल रहे थे और आग लगने की संभावना व्यक्त की गई। दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि उसमें जो है पड़े हुए कुछ लैब के सामान वो जल रहे थे, कुछ मशीनें थी वो भी जल रही थी। और प्रथम दृष्टया देखा गया कि दरवाज़ा बंद था, बाहर से खिड़की भी बंद थी। संभावना यही लग रहा है कि जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से ही आग लगी होगी। इसके क्रम में यहाँ से जांच कमेटी का गठन जो है कर दिया गया है और कमेटी 3 दिवस के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, फिर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद पहुंचे। उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। हम लोगों ने ऐलान किया है कि जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, सीधे वहां इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हो या CPM के हो या RJD के हो, वहां उनको जिताने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि आज कोर्ट में तारीख थी। वकील ने बताया था कि जिस पर ये आए थे, कोर्ट में अगली तारीख लगा दिया है। यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की बात भी कही है। देखिए, एक कोर्ट की तारीख भी थी पहले से, तो उसके बारे में भी वकील साहब ने बताया था कि आज रहना है, लेकिन उसमें अगली डेट पड़ गई है। और इसके साथ साथ कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और आज ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से शाम को मुलाकात होगी। किस विषय पे मुलाकात होनी है? क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और हम लोगों ने ऐलान किया आम आदमी पार्टी ने कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव सीधे नहीं लड़ रही है, वहाँ इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट होंगे, वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, CPM CPI के हों, RJD के हों, JMM के हों, जहां हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहां उनको जिताने का काम करेंगे। भैया, कल यहां पे एक वीडियो वायरल होता है सपा प्रत्याशी, मैंने देखा, नहीं वीडियो। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की चल अचल संपत्ति की कुर्की हो रही है। पूर्व मंत्री के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई MP MLA कोर्ट के आदेश पर हो रही है। जांच पड़ताल के बाद उनके ऑफिस के 2 कमरों को सील कर दिया गया है। बस्ती अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी में चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ू तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ू तो वायनाड नाराज के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल में जब राहुल गांधी पर हार के डर से भागने की तोहमत BJP ने लगाई, तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।